और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि गुजरात के जामनगर से आ रही है, जहां बीजेपी सांसद पूनम बेन 10 फीट गहरे नाले में गिर गई। उन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा डिमोलिशन ड्राइव यानी कि अतिक्रमण अभियान के दौरान स्लैब गिरने से हुआ। देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हादसा हो रहा था, जब ये स्लैब गिर गया और उसके नीचे जो 10 फीट का नाला था उसमें पूनम बेन गिर गई। जामनगर से बीजेपी की सांसद है पूनम बेन, कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी और अचानक वहां पर ये स्लैब नीचे की ओर धस गया। अतिक्रमण चल रहा था जिसकी वजह से शायद ये कमजोर हो गया और पूनम जिस स्लैब पर खड़ी थी वो नीचे की ओर धस गया। ये देखिए उनके साथ और भी लोग मौजूद थे और पूनम इस हादसे के दौरान 10 फीट गहरे नाले में गिर गए। खैरियत ये रही कि सांसद पूनम बेन को ज्यादा चोटें नहीं आई, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उस वक्त की तस्वीरें जब यह हादसा हुआ, जामनगर में कुछ लोगों से बात कर रही थी, डिमोलिशन ड्राइव वहां पर चल रहा था और जैसे ही पूनम अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी अचानक हड़बड़ा कर ये स्लैब नीचे गिर जाता है और उनके आसपास खड़े लोग भी पूनम के साथ नीचे की ओर गिर जाते हैं। स्लैब के नीचे 10 फीट गहरा नाला था। गनीमत ये रही कि पूनम को ज्यादा चोटें नहीं आई, नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। ये देखिए पूनम को किस तरह से बचाया गया, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई, उसके बाद अपना हाथ मदद के लिए उठाया और पूनम को इस 10 फीट गहरे नाले से बाहर निकाल लिया गया। वक्त रहते ही जल्द से जल्द जो एहतियातन कदम उठाए गए उसके चलते ही पूनम की जान बच सकी। नाला काफी गहरा था, पूनम की जान को भी खतरा हो सकता था। एम्बुलेंस भी वहीं पर पास में ही खड़ी थी जिससे पूनम को ले जाया गया नजदीक के अस्पताल और अब इस वक्त उनका इलाज किया जा रहा है। आप सुन पा रहे किस तरह से वहां पर लोग अचानक घबरा गए जैसे ही ये स्लैब नीचे गिरा और आसपास जो लोग थे वो भी पूनम के साथ नीचे की ओर गिर गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं किस तरह से डिमोलिशन ड्राइव के दौरान ये हादसा हुआ जिसमें पूनम की जान जाते जाते लगभग बच गई, क्योंकि 10 फीट गहरा नाला आप अंदाजा लगा सकते हैं उमूमन महिला की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है वो लगभग 5.5 फीट के आसपास, मेरे माने तो लगभग दोगुनी गहराई का ये गड्ढा जिसमें पूनम जाके मदद के लिए हाथ फौरन आ गया है और पूनम को बाहर निकाल लिया गया। पास ही एम्बुलेंस खड़ी थी, उससे पूनम को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी से सांसद है पूनम जामनगर से और लोगों से बातचीत के दौरान वो समझ ही नहीं पाई दरअसल क्या हुआ, जब नीचे का स्लैब अचानक खिसक गया और वो नाले के अंदर जा गिरी। और ज्यादा जानकारी के साथ गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से अचानक ही ये स्लैब नीचे की ओर धस गया, पूनम 10 फीट गहरे नाले में गिर गई, अभी उनका हाल कैसा है, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि पूनम मानम जो है वो घायल हुई है, उन्हें पास ही के अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये स्लैब गिरा उस स्लैब के ऊपर पूनम मानम खड़ी हुई थी और वो स्लैब अचानक से टूट गया, जिसके बाद जो स्लैब के कुछ हिस्से थे वो भी पूनम मानम पर गिरे हैं, जिसके चलते वो घायल हुई है और उसके बाद उन्हें वहाँ के जो स्थानीय हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया गया है। वहाँ पे गनीमत ये रही नेहा कि उस वक्त वहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो रेस्क्यू टीम थी वो वहाँ पे मौजूद थी, तुरंत ही उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि ये पूरा डेमोल्यूशन आज सुबह से वहाँ पे चल रहा था, जो लोकल सांसद पूनम मानम वहाँ की है तो जिसके चलते वो इस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बात कर रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि पूनम मानम कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बात कर रही थी, वो बता रही थी कि इन्हें 2 दिन की मोहलत दी जाए उसके बाद ये डिमोल्यूशन ड्राइव किया जाए। इसी बीच में जिस स्लैब पे वो खड़ी हुई थी, नाले के स्लैब पे वो खड़ी हुई थी और वो टूट गया, जिसके चलते पूनम मानम घायल हुई है। नेहा जी गोपी, और तस्वीरों में ये भी देख पा रहे हैं कि जिस तरह से पूनम आजन इन
अधिकारियों से बात कर रही हैं और जैसा कि आप भी जानकारी दे रही हैं कि वो कह रही थी कि दो दिन की मोहलत दी जाए अतिक्रमण अभियान शुरू करने से पहले, और अचानक देखिए ये स्लैब गिरता है, पूनम नीचे की ओर गिरने लगती है, उन्हें बचाव करने का भी अपना मौका नहीं मिलता। चंद सेकंड्स के अंदर ही ये स्लैब धस जाता है और पूनम के ऊपर ही स्लैब के कुछ हिस्से गिरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। बात करेंगे गुजरात के जामनगर की, जहां की बीजेपी सांसद पूनम बेन 10 फीट गहरे नाले में गिर गई। हम आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखाएंगे जब ये हादसा हुआ। पूनम यहां के कुछ अधिकारियों से बात कर रही थी और अचानक ये स्लैब नीचे की ओर धस गया और स्लैब के नीचे जो 10 फीट गहरा नाला था उसमें पूनम जा गिरी। हालांकि पूनम को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन राहत की बात ये रही कि वहीं पर दमकल कर्मी मौजूद थे, जिसकी वजह से पूनम को फर्स्ट एड मुहैया कराई जा सकी और उनको जल्द से जल्द 10 फीट गहरे नाले से बाहर निकाला जा सका।